नवजीवन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज के वीडियो में हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो अभी बीमारी के बिछौने पर पड़े हैं या अस्पताल में हैं या अपनी बीमारी से तंग आकर जीवन से हार गए हैं। कुछ लोग शायद आत्महत्या की भी सोच रहे हैं, लेकिन आज आप इस प्रार्थना को बड़े ध्यान से सुनिए और ये विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा से आपको छूकर आपको चंगाई देगा। बाइबल में चंगाई के विषय में बहुत सारे वचन दिए गए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने अनगिनत चमत्कार किए हैं जिसका अनुभव आप प्रतिदिन बाइबल पढ़कर कर सकते हैं। आपकी चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करूं। उसके पहले आपको बाइबल के कुछ वचनों का अंगीकार और अनुभव करना होगा, तब पवित्र आत्मा आपके शरीर मन और आत्मा को छुएगी और उसकी सामर्थ्य से आपको चंगाई मिलेगी। आइए पहले हम कुछ वचनों का अंगीकार करते हैं। यसाया 53 अध्याय वचन 4 और 5, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है, यह मैं विश्वास करता हूँ। यिर्मयाह अध्याय 17 और वचन 14, हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 3, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता अध्याय 147 और वचन 3, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। भजन संहिता अध्याय 107 और वचन 20, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 22, यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 52, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 5 से 9 तक, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिला जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्यारे दोस्तों, इन वचनों को बार बार मनन करो और आपकी बीमार अवस्था में उसका अंगीकार करो और ये विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह आपके पास ही खड़ा है। उसने अपने हाथ को आपके सिर पर रखा है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह आपको चंगा करने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए और प्रभु यीशु मसीह पर पूरे दिल से विश्वास कीजिए। मैं आपके लिए, आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए और विश्वास कीजिए। हे पिता परमेश्वर, सारे संसार के सृजनहार, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से आपकी शरण में आता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो बीमार हैं, परेशान हैं और दुख और पीड़ा से कराह रहे हैं,
कुछ लोग अभी बीमारी के बिछोने पर पड़े पड़े मौत का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों ने इलाज करवाया है, परंतु अब तक उनको कोई फायदा नहीं हुआ है। दवाइयां, इलाज, ऑपरेशन के बावजूद भी वे अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं। उन सभी दुखी और लाचार लोगों के लिए मैं पूरे दिल से, दिल की गहराई से और पूरे विश्वास से उनकी संपूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से और पवित्र आत्मा के अभिषेक से मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कैंसर की बीमारी के कारण बड़े दर्द से गुजर रहे हैं, और वे लोग कि जो जीवन की उम्मीद को छोड़ चुके हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो एड्स की बीमारी से मृत्यु संज्ञा पर है, उनका जीवन मौत से बदतर हो गया है। मैं उनके जीवन दान के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग डायबिटीज, अल्सर, टाइफाइड, सिकल सेल, एनीमिया, लकवा, किडनी के रोग, हृदय रोग, ब्लड कैंसर, आंखों की कमजोर रोशनी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, माइग्रेन, पीलिया और ऐसी अनगिनत बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी संपूर्ण चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे दयालु यीशु मसीह, उनके दर्द, आंसू और तकलीफों को आप ही समझ सकते हैं। आपके अनुग्रह से इन सभी बीमारों के शरीर, मन और आत्मा को छू, उनकी बीमारी से उन्हें चंगाई प्रदान करो। उनके मनों को प्रफुल्लित करो, उनकी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करो। आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य से हर रोगों को दूर करो, उन्हें आरोग्य प्रदान करो, ताकि वे आपका धन्यवाद करें, आपकी महिमा करें और आपके गवाह बन पाएं। यह प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो और प्रार्थना के माध्यम से हम आशा और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई प्रदान करेंगे और आप ये विश्वास कर पाओगे कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। नवजीवन मिनिस्ट्री आपसे अनुरोध करती है कि आप कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबाएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया शेयर करना ना भूले। इस चैनल के माध्यम से हम नए नए आत्मिक वीडियोस बहुत जल्द ला रहे हैं, जिससे आप आशीषित होंगे। यीशु मसीह का अनुग्रह आप सभी पर होता रहे। धन्यवाद। जय मसीह की।